लोग गए सब सो Let's go.
ik ben benieuwd. Waar wacht je van mij? Oh,
یہ شراب ابل نہ جائے. یہ شراب جو ہوتی ہے وہ دنیا کی شراب نہیں ہوتی ہے. یہ وہ قرآن شریف والی شراب ہے. وہ شراب ربہ شراب طہورا جو پہیزیوں کو پلائی جائے. اب یہ شراب کے بارے میں حضرت عارف مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین آپ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ شراب کیا چیز ہے اور اس کا جوش کیا چیز ہے. جب میں نے اپنے قلب کی وسعت کی طرف دیکھا دل
दिल की विशालता की तरफ देखा, जाहिर में छोटा सा नजर आता है ना, जब मैंने अपने दिल की वुशत की तरफ देखा तो उसके सामने अरसे मौला ऐसा नजर आया। अब अरसे मौला कितना बड़ा है पता है? कुल कायनात अरसे मौला के सामने ऐसी है जैसे रेगिस्तान में एक छोटा सा दायरा पड़ा। अरसे मौला कितना वसी है कि उसके सामने कुल कायनात कैसी है कि एक सहरा में रेगिस्तान में एक छोटा सा सर्कल दायरा पड़ा हो। अब वो अरसे मौला बायजी बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरे दिल के सामने ऐसा नजर आया जैसे किसी बड़े से मकान में छोटी सी ठीकरी पड़ी हो। तो आलम अकबर कौन हुआ? बस बमाने आलम अकबर तुई। लेकिन इंसान जो आलम शगीर नजर आता है हकीकत में यही आलम कबीर है। ये आलम कबीर न होता तो आसमान उससे बड़े होते रुतबे में, पहाड़ उससे बड़े होते रुतबे में। जबकि कुरान शरीफ में सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत क्या कहती है? इन्ना अर्ज़नल अमानतो अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैन यहमिलनहा वअशफक्न मिनहा वहमलहल इंसान। बेशक अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी अमानत को किसके सामने पेश किया? इन्ना अर्ज़नल अमानत अलस समावात आसमानों के सामने, वल जिबाल और पहाड़ों के सामने। लेकिन क्या किया? उन्होंने इनकार किया, वो डर गए। अशफक ना मिनहा यानी वो डर गए। और किसने उठाया अल्लाह की अमानत को, अल्लाह की अमानत के बोझ को किसने उठाया? वह हमलहल इंसान, कामिल इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। अब पता चला क्यों हसनुल तकवीम है, इंसान को हसनुल तकवीम क्यों कहा? उस अमानत के बोझ को ना आसमान उठा पाए ना काबतुल्लाह उठा पाए। जो कल्बे अब्दुल्लाह ने जिस बोझ को उठाया वो बोझ कोई नहीं उठा पाया। वो न काबा शरीफ क्यों नसीरुद्दीन चिराग़ी दहलवी का तवाफ करता, क्यों राबिया बसरी का तवाफ करता? ये क्योंकि काबा शरीफ को पता है कि यहां नूर की किरणें आती है और वहां आफ्ताब है। तो ये कायनात का उसूल है कि जो छोटा है वो बड़े का तवाफ करता है। ये हमारी जमीन छोटी है और आफ्ताब बड़ा है, तो जमीन किसका तवाफ करती है? आफ्ताब का। 365 दिन का चक्कर होता है ना, तो जमीन किसका तवाफ करती है? मार्स जुपिटर ये जितने सैयारे हैं जोहर अतारत ये सब किसकी तवाफ करते हैं? आफ्ताब का। क्यों? कि आफ्ताब के सामने वो छोटे हैं। लेकिन चांद किसका तवाफ करता है? जमीन का। किसका तवाफ करता है? जमीन का तवाफ करता है। क्यों? क्योंकि चांद जमीन से 50वें हिस्से का है, वो छोटा है। तो जो छोटा है वो बड़े का, तो जहां कम नूर है वो ज्यादा नूर वाले का। इसीलिए जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हदीस शरीफ में आया है कि काबा शरीफ सजदे में झुका हुआ था। इसीलिए कहा काबा खुद काबा झुका हुआ है मोहम्मद के चेहरे पे। ये जो कहा हुआ है वो ऐसे के वैसे नहीं कहा है। तो कायनात का उसूल है कि जो ज्यादा नूर वाला है उसका तवाफ कम नूर वाला करता है। पस बमाने आलमे अकबर तुई जाहिरन आ शाख असले मेवास्त। हजरत को ज्यादा मजा आई है क्योंकि आज फारसी ज्यादा है। जाहिरन आ शाख असले मेवास्त, जाहिर में क्या नजर आता है कि बीज किस में से निकला है? डाली में से निकला है। डाली में से फल निकलता है, फल में से भी। तो जाहिर इंसान की शक्ल जो दुनियावी पांच लतीफों वाली है, ये दुनिया की जो पांच लतीफे वाली, वो अकल क्या कहती है? अकल ए जूस कहते हैं उसको, अकल ए जूस कहते हैं। और वो जो आलम अमर वाली अकल है उसको अकल ए कुल कहते हैं। तो अकल ए जूस क्या कहती है कि भाई ये तो दरख्त है, इसकी डाली में से फल निकला और उसमें से बीज निकला, लेकिन हकीकत क्या है? बातिनन बहरे शमरशद शाखहास।
دین میں حقیقت تو یہ ہے کہ بیج میں سے ہی ہزاروں ڈالیاں نکلتی ہے. اگر بیج نہیں ہے تو درخت ہی کہاں سے ہوگا؟ تو بیج سے درخت ہے کہ درخت سے بیج ہے؟ مرغی پہلے انڈا پہلے غلام بھائی, مرغی پہلے انڈا پہلے, بیج پہلے کہ درخت پہلے؟ بیج پہلے. ٹھیک ہے, تو انسان جو ہے وہ احسن التقویم ہے, جو انسانی روح ہے, انسانی جو قلب ہے اسی سے پیدا ہو. کہنے کی بات یہ ہے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ شراب میں جو جوش ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ درویشی کی وجہ سے. آسمانوں میں جو گردش ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری وجہ سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ شراب ہم سے ہے, ہم شراب سے, عالم ہم سے ہے, ہم عالم سے. Thank you.
حضور میں نے آپ سے کہا حضور وہ ایک مسجد کے سلسلے میں جی آپ کی اجازت ہو تو نہیں پہ چلیے ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ بتا دوں کہ یہاں
Thank you.
Yeah.
يا حب يا حب يا باسط يا ودود يا عدل يا عقل يا علي يا عفو يا غني يا مجيب يا محي يا علي يا حي يا قيوم يا غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اے خدا بندہ تو ذاتِ کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے من رف کے رمز ہم پر بول بہر مرتضا مشکل حل کر علی مشکل مشکل سیدنا مکتوب حاجی شریف الزندنی بحق سیدنا عثمان ہارونی
مدد کو نظر کو کرم کو نگاہ کو لطف کو نیا خواجہ معین الدین جس کی کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتك يا ارحم الراحمين حق لا اله الا انت